वालेकुम क्या हाल आप सबका आई होप सब ठीक ठाक होंगे खुशबास होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल अगर तो आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मज़ेदार से व्लॉग्स देखने के लिए तो सुबह का आगाज़ हो चुका है तो एज़ यूजुअल रूटीन जो है वो बच्चों से स्टार्ट होती है तो सबसे पहले बनाऊँगी बच्चों का नाश्ता नाश्ता मैंने दे दिया है और लंच पैक करने की बारी है तो आज लंच में मैं दे रही हूँ उनको एप्पल दे रही हूँ साथ में क्रूस बन आए थे बच्चे तो ये बगैर फिलिंग के हैं इसमें मैंने हनी लगा दिया एक में और एक को मैंने लगा दिया है जैम तो ये दूंगी काफ़ी बड़े साइज़ के थे तो इसलिए ऐसे खास मैंने कुछ साथ में एक्स्ट्रा नहीं दिया थोड़ा सा एक ग्लूको का पैकेट रख दिया और ये हो गया बच्चों का लंच रेडी और यहाँ पे अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ फ्रेंच टोस्ट बनाए थे और बनाई है पराठे और ऑमलेट है साथ में रात का थोड़ा सा सालन है फ़्राई कीमा बनाया था और यहाँ पे मैंने यखनी रख दी है बनने के लिए मौसम ज़रा चेंज हो रहा है तो बच्चों को रेगुलर बेस पे यखनी का इस्तेमाल कराती हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ साथ में चाय काफ़ी दिनों से नहीं बना रही थी तो आज दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा पीने का चाय तो मैंने कहा चाय बना लेते हैं आज साथ ही और साथ में थोड़ा सा जो लेफ़्ट और रात वाला कीमा था उसके सैंडविचेस भी बना लूँगी दो सैंडविच बनाऊँगी यहाँ पे जी घर की सफ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी हुई है सारे कमरों की तकरीबन बेडशीट्स वग़ैरह चेंज करने वाली थी दावत अरेंज करनी है उसके लिए और पहले सबसे पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ और उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद सबसे लास्ट में मैं ये चादरें वग़ैरह बेडिंग वगैरह चेंज करती हूँ और देन फिर मैं पोछा लगाती हूँ सबसे लास्ट में ताकि थोड़ी बहुत ही जो डस्ट इधर उधर से आके गिरती है वो भी हो जाती है ड्राइंग रूम में भी क्लीनिंग कर दी है मैंने उसके बाद मैंने सोफ़ों पर चादरें डाल दी हैं ये एक दिन पहले की वीडियो है ताकि जिस दिन गेस्ट वगैरह ने आना हो तो सिर्फ जस्ट चादरें उतारनी होंगी अदर एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना होगा और बाहर का एरिया भी क्लीन हो गया हुआ है गैरेज वगैरह वॉश हो गए हुए तो वॉशिंग से ना एक अलग ही चमक आ जाती है फर्श में उस तरह पोचे वगैरह से नहीं आती और यहाँ पे देखें हमारे गैस का बहुत ही बुरा हाल है सुबह बहुत अच्छा फ्लेम आता है और शाम में और लंच का टाइम होता है तो इतना स्लो फ्लेम आता है कि ना बहुत मुश्किल से ना रोटी बन पाती है बच्चों के लिए और यहाँ पे मुझे कुछ ग्रॉसरीज़ चाहिए थी वो मैंने मंगवा ली थी लिस्ट मैंने हस्बैंड को बना दी थी तो ये सारी ही ग्रॉसरीज़ आ गई हुई हैं जिस जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी कुछ दावत के लिए कुछ घर के लिए चीज़ें चाहिए थी तो जो जो मिसिंग चीज़ें थी तो सारी ही मैंने मंगवा ली है और दिन ब दिन तो सब्ज़ी को तो पर ही लगते जा रहे हैं प्राइस नीचे आने के बजाय बाकायदगी से ऊपर ही जा रही है समझ नहीं आता इतने पैसों में बहुत अच्छी ग्रॉसरी आया करती थी अब बहुत मिनिमल सी आती है बहुत महंगाई होती जा रही है बेसिक नेसेसिटीज़ इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है कि सोचना पड़ता है कि आप बच्चों को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं यहाँ पे जी मैं रेड ग्रेप्स धो लूँगी ये बगैर बीज के आए थे मैंने बस फर्स्ट टाइम देखे हैं इस तरह के मैंने देखे हैं बीज वाले ही देखे हैं खाएँगे तो अंदाज़ा होगा कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा है और यहाँ पे मैंने लंच बना लिया था साथ ही इसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की लेकिन ये कि बहुत दिल चाह रहा था कुछ डिफरेंट सा बनाने का तो मैंने बनाए थे फ्राइड राइस फ्राई कीमा है चिकन का साथ में टोमेटो की चटनी है सैलड है और थोड़े से फ्राइज़ बनाए थे और बहुत मज़ा आया था खाने का सिंपल सा है क्विक सा लंच बन जाता है बहुत लंबा छोड़ा इसमें हैसिल नहीं है फ्राइड राइस भी मैंने सिंपल से बनाया था उसमें मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च प्याज और आ, मटर डाले थे और दूसरी तरफ कीमा बनाया था इंस्टेंटली फटाफट से बन जाता है चिकन का चटनी भी बहुत जल्दी से बन जाती है इसकी डिटेल रेसिपी मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी सैलड बनाया था साथ में थोड़े से फ़्राइज़ बना लिए थे जल्दी साढ़ा था मिर्चें बनाने का पर उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड था तो फटाफट से ये बना बना लिया था बहुत इन्जॉय किया था कभी कभी दिल करता है ना बहुत सारी वैरायटी हो खाने में लेकिन सब चीज़ें इंस्टेंट बनने वाली हों तो उसके लिए बहुत अच्छा आइडिया है बहुत इजी रेसिपीज़ हैं इसकी कभी मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर एक्चुअली गैस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे यहाँ लंच टाइम में कि उस टाइम रिकॉर्डिंग करना बहुत ही मुश्किल लगता है खड़े रहो खड़े रहो फिर कहीं जा कर जो दस मिनट का काम है आधे घंटे में हो रहा है तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ हाउ आई मैनेज माई दावत मतलब तो मेरे दो तीन छोटे बच्चे हैं मैं जॉइन में रहती हूँ मेरे पास हेल्पर की सहूलत नहीं है और मैं दावत कैसे प्लान करती हूँ कैसे क्या क्या प्लानिंग होती है कितनी लंबी चौड़ी बनाती हूँ और विदाउट हेल्पर कैसे मैनेज करना आसान होता है मुश्किल होता है तो सबसे पहले जो है ना मैं अपना जो भी मेन्यू है ना डिसाइड कर लेती हूँ जैसे आजकल मेरे घर में ना गैस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है दिन के टाइम में सुबह बहुत अच्छी होती है शाम में बहुत अच्छी होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन पहले खाना रेडी करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ फ़्रेश खाना पसंद किया जाता है बहुत देसी टाइप की फ़ैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मुझे सारा कुछ फ़्रेश ही बनाना है और किस तरह बनाना है तो उसके लिए मैं मेन्यू डिसाइड कर रही हूँ जो हमारे गेस्ट हैं वो अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे उनकी फ़्लाइट सुबह की है तो पहले तो नाश्ता होगा नाश्ते की चीज़ें मैं लिख लूँ नाश्ते में क्या बनाऊँगी नाश्ता लंबा चौड़ा नहीं बनाऊँगी क्योंकि जिस टाइम उन्होंने आना है उस टाइम मेरे बच्चों का स्कूल का भी टाइम होगा तो मुझे बच्चों को भी रेडी करना है स्कूल के लिए तो नाश्ते में मैं फ्राई अंडा आलू का सालन बनाऊँगी साथ में बनाएंगे फ्रेश पराठे और साथ में थोड़ी सी दूध वाली सवैयाँ बना लूँगी इंस्टेंटली बन जाती हैं और ज़रा अच्छी भी लगती हैं अगर किसी का दिल ना चाह रहा हो हैवी खाना खाने का थोड़े से बनाऊँगी फ्रेंच टोस्ट और ऑमलेट या बॉयल एग्स कर दूँगी साथ में दैट्स इट और चाय या ग्रीन टी या कॉफ़ी जो भी वो कहेंगे दैन फिर मुझे लंच की तैयारी करनी है बच्चे जा चुके होंगे स्कूल तो लंच में मैंने लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं रखना क्योंकि एक तो मुझे घर पे बनाना है दूसरा ये कि गैस का बहुत प्रॉब्लम है मैंने आपके साथ शेयर किया तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी पंजाबी आलू गोश्त शर्बे वाला और साथ में तड़के वाले राइस और साथ में मोह मसूर की दाल बनाऊँगी क्योंकि जब तो आप बाहर से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं ना फिर दिल करता है कोई हल्का फुल्का भी हो लेकिन देसी फूड ज़रूर हो जिसमें गोश्त ज़रा कम हो वैरायटी हो साथ में बेसन वाले आलू के जो चिप्स बनते हैं गोल वाले वो फ्राई करूँगी और और साथ में बेसिक जो चीज़ें होती हैं सैलड हो रायता हो अचार हो और साथ में मीठा मीठे में मैं बनाऊंगी चने की दाल का हलवा मौसम चेंज हो रहा है तो ज़रा सर्दियों की सौगात भी होती है और इसकी दाल मैं पहले रात में एक दिन पहले बॉईल कर लूँगी बाकी इसका काम मैं अगले दिन से शुरू करूँगी तो ये है मेरा टोटल मेन्यू आलू को उसमें प्रेशर दे के बनाऊँगी फटाफट बन जाएगा तड़के वाले चावल भी लो फ्लेम पर भी बन जाते हैं और मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक वो कुकर या हॉट प्लेट नहीं है मैंने सारा कुछ गैस पे ही करना है और फिलहाल सिलेंडर भी नहीं है तो आई होप के बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊँ और जो क्लीनिंग वगैरह वो मैंने एक दिन पहले डन कर ली हुई है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और किचन की क्लीनिंग मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मैं साथ साथ लंच रेडी कर रही थी जो मैंने आपको दिखाया है और काफ़ी फैला हुआ था मेरा किचन क्योंकि ग्रॉसरीज भी आ गई थी बच्चे भी घूम रहे थे बीच में नी वेज़ ये थी आज की वीडियो और मैं इस तरह मैनेज करती हूँ कि मैं क्लीनिंग एक दिन पहले डन कर लेती हूँ मेन्यू मैं एक दो दिन पहले कोशिश करती हूँ बना लूँ और इस हिसाब से फिर ग्रॉसरीज मंगा लेती हूँ और सारी चीज़ों पर चेक लगा देती हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए या इस रेसिपी के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए वो मेरे पास कितनी क्वान्टिट्टी में मौजूद है और मुझे कितने लोगों के हिसाब से बनाना है और एक और अहम चीज़ मैं बर्तन भी एक दिन पहले डन कर लेती हूँ जैसे शोकिज़ वगैरह में काफ़ी टाइम बाद आप बर्तन निकालें थोड़े से खंगालने वाले होते हैं मुझे कितने लोगों के लिए कितने बर्तनों की जरूरत है एक्स्ट्रा उसमें से दो तीन कप दो तीन गिलास दो तीन चम्मच निकाल के मैं डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ उससे भी काफ़ी आसानी होती है तो मेहमान आए तो आप बहुत थके हारे नहीं बैठे होते काम कर करके आप भी फ्रेश होते हैं और आपका काम वेल मैनेज होता है तो आपसे अगला इंप्रेस होता है तो आई होप आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब टू तो माय चैनल और मिलूंगी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसकी दावत की रिकॉर्डिंग मेरे से हो सकी तो मैं ज़रूर करूंगी क्योंकि नाश्ता है फिर लंच रे, रेडी करना है और बच्चों को भी रेडी करना है बीच में तो आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ मैंने क्या बनाया और तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफ